भाई ये इतना बड़ा पुल है, लगभग 3.5-3.75 किलोमीटर का पुल है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस जो प्रदेश बन रहा है। 3 साल से काम चल रहा है और अभी भी किसी ना किसी से डिले हो रहा है, और अभी मैंने अधिकारियों को बोला है कि इसमें बिना विलंब के, और कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बात की है, इसमें कॉस्ट एस्केलेशन हो रहा है, टाइम डिले हो रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को इसमें बहुत सहायता मिलेगी। जब सरकार में हम लोग थे तब बहुत मुश्किल से इसके लिए लगभग 135 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था, और अब मैंने हमको लास्ट वार्निंग दे दी है, उन्होंने मुझे कहा है कि होली से पहले पहले यहाँ पर यातायात शुरू कर देंगे एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है, अप्रोच रोड का काम है, पुलिया पर डामर डालने का काम है, वो सब काम करेंगे, एंड बिफोर मार्च होली से पहले पहले यहाँ पर लोग इसमें आवागमन चालू कर देंगे। इसकी क्वालिटी को लेकर विभागों के बीच में आपने आज कुछ फोन किया एमएस साहब को, कंफ्यूजन अब ये सरकार में विभागों में आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो मैं चौथी बार इसका इंस्पेक्शन करने यहाँ पर आया हूँ, हर बार डिले होता रहता है, लेकिन आज मैंने सबको बता के इंजीनियर्स को, माइनिंग इंजीनियर को, कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया है कि इसमें आप और डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नेग्लिजेंस और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पीड काम का जो होना चाहिए, अभी वैसे 11-12 महीने डिले हो गया है। मुझे पहले बताया गया था कि 2023 दिवाली तक काम पूरा हो जाएगा, अब इसमें बहुत सारा डिले आया है, कुछ इश्यूज भी थे एनओसी वगैरह के लिए, अब सब सॉर्ट आउट हो गया है, और ये जैसे मैंने कहा 135 करोड़ की परियोजना है, और ये मार्च, इस आने वाले मार्च में होली से पहले पहले इसको चालू कर देंगे। इसकी क्वालिटी को लेकर भी पहले भी सवाल उठे थे, क्योंकि इसका एक ब्लॉक था वो गिर गया था, वो कह रहे हैं वो उसमें कोई लेबर का फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, लेकिन हर मौके पर इतना मैं कह सकता हूँ कि हर मौके पर जो क्वालिटी है और गुणवत्ता है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इसमें तो मैं अधिकारियों को भी मैंने बोल रखा है कि इसमें, क्योंकि इंसान की जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, काम कंस्ट्रक्शन का हो, टाइमली हो, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मेडिकल कॉलेज का भी आपने बोला है, मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी परियोजना है, और वो भी 68 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, और मुझे उम्मीद है वो भी मार्च 31 से पहले पहले हो जाएगा। 5 फ्लोर्स उसमें बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि उससे पूरे ज़िले को बहुत सहायता मिलेगी, लाभ मिलेगा, क्योंकि जो लोग पहले रेफ़र कर देते थे जयपुर, अब वो नहीं कर पाएंगे, और अच्छी फैसिलिटी, बिल्कुल टॉप क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसमें बहुत विस्तार होगा। तो इस प्रोजेक्ट को भी लगभग 2.5 साल पहले चालू किया था, लेकिन अब वो कंप्लीशन की ओर है, और मुझे बताया जा अधिकारियों ने कि वो मार्च 30 या अप्रैल 1 तक वो पूरा काम खत्म कर देंगे, और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो उसकी फैसिलिटीज़ हैं, एक्सपेंशन जो प्लान है मेडिकल डिपार्टमेंट का, उसको भी हम अंतिम रूप दे रहे हैं। राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान तक इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रही है, टोंक में भी आयोजन हुआ, लेकिन क्या लग रहा है कि कुछ चीज़ें धरातल पर, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले निवेश के लिए लोग वादे कर चुके हैं, MOU साइन कर चुके हैं, उस पर भी हम लोगों को प्रकाश डालना चाहिए कि उसमें से कितना धरातल पर उतरा है। हर बार आते हैं उद्योगपति, साइन करके चले जाते हैं, उसमें से कितना ट्रांसलेट कर पाए हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट में मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ आंकड़ों का खेल हो। मुझे लगता है कि उद्योग लगाने आए तो पता नहीं भाई आप कितना रुपया निवेश करोगे और जॉब्स कितने मिलेंगे। इतने बड़े निवेश की बात करते हैं, 1,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, पता नहीं कितने खरबों रुपए की बात है, उसमें नौजवानों को मौका कितना मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को निवेश के साथ साथ रोजगार उत्पन्न करने वाले जो इंडस्ट्रीज हैं उस पर फोकस करना चाहिए, बाकी प्रदेश में निवेश हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, जॉब लोगों को मिले, सभी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज करने से वो धरातल पर उतरते नहीं हैं। तो पहली सरकारों ने जो किया था उसका भी कहीं ना कहीं वाइट पेपर आना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा जी ने भी कई बार इस प्रकार के इवेंट्स किए थे, वो कर रहे हैं, स्वागत करता हूँ उसका, लेकिन ये कमिटमेंट्स हों और ये ग्राउंड लेवल पर वो सारे जो MOUs हैं वो धरातल पर उतरें, ये हम चाहते हैं।